हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ शॉर्ट बट वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट इज़ द पुअर मंगूस। पुअर मंगूस मीन्स बेचारा मंगूस। पुअर का दो मतलब होता है, एक पुअर मतलब होता है गरीब, दूसरा पुअर मतलब बेचारा। ओके, सो बेचारा मंगूस, मंगूस यानी नेवला, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, सो स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से, या वो लोग जिनको इंग्लिश सीखनी है। तो राइट प्रोनंसिएशन, रीडिंग, वकैब, हार्ड वर्ड के मीनिंग, और किस तरीके से आप इंग्लिश समझ सकते हो, एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप भी इसी तरीके से धीरे धीरे इंग्लिश को समझें, बोलें और सीखें। ओके, सो ये सभी के लिए ज़रूरी है, स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यहाँ पे स्टोरी के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा तरीका है ये इंग्लिश सीखने का। बोरिंग भी नहीं होगा, हमसे स्टोरी भी सुनते जाएंगे। और देखिए बच्चों, आपको ना एग्ज़ाम में भी आता है स्टोरी लिखने के लिए, सो यही सारी स्टोरीज़ होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्टोरीज़ हमने सुनी है, जैसे थर्स्टी क्रो वो हुआ, और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और हम पढ़ चुके होते हैं कई बार। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो स्टोरी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत नया सा कोई स्टोरी नहीं बनाते, वही सारी चीज़ें जो हम पढ़े रहते हैं वही होता है और बनाना होता है, तो यहाँ पर वो भी आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो वैकेशन भी आपका अच्छे से जाएगा। वैकेशन के लिए ही आपने कमेंट किया था कि मैं समय स्टोरीज़ बताइए, तो इसीलिए स्टोरीज यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग कि आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, ताकि क्लियर दिखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, अभी समझते हैं। अ ब्राह्मण कपल हैड अ बेबी बॉय एंड अ पेट मंगूस। तो ब्राह्मण कपल थे यानी हस्बैंड वाइफ, और उनका एक बेबी बॉय था यानी एक लड़का था, बच्चा था, और उसका एक पेट मंगूस। मंगूस क्या होता है? नेवला। पेट यानी पालतू, पालतू नेवला, जैसे हम देखते हैं कोई डॉगी रखता है, कोई खरगोश रखता है, वैसे। द मंगूस लव्ड द बेबी एंड बोथ प्लेड टुगेदर। मंगूस बहुत प्यार करता था उस बेबी बॉय से, बच्चे से, और दोनों साथ में खेलते थे। ओके, बोथ प्लेड टुगेदर। वन डे, एक दिन, द वाइफ वेंट आउट टू गेट वाटर, लिविंग हर हस्बैंड इन चार्ज ऑफ द बेबी। सो एक दिन क्या होता है कि वाइफ जो होती है, ब्राह्मण वाइफ, ब्राह्मण कपल, उसमें जो वाइफ होती है वो चली जाती है पानी लाने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो लिया गया है, द वाइफ वेंट आउट द गेट वाटर। तो बच्चे को अपने हस्बैंड की इंचार्ज, मतलब उसकी सुरक्षा में, अपने हस्बैंड की सुरक्षा में वो पानी लेने चली जाती है। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, सम पीपल टुक द ब्राह्मण टू परफॉर्म सम रिचुअल्स। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी वाइफ आई नहीं रहती, तब तक ब्राह्मण को कुछ लोग लेके जाते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, टुक यानी लेके जाते हैं उसे, ब्राह्मण को, कुछ रिचुअल्स यानी कुछ पूजा वूजा कराने के लिए, पाठ, रिचुअल्स यानी कर्मकांड, पूजा पाठ वो सब होता है, रिचुअल्स कराने के लिए लेके गए। द ब्राह्मण वेंट विद देम, लीविंग द बेबी इन द केयर ऑफ द मंगूस। सो ब्राह्मण भी चला गया अपने बच्चे को किसके केयर में छोड़ के, मंगूस के, कि मंगूस देखता रहेगा उसे, उसकी देख रेख करेगा, तब तक उसकी माँ आ जाएगी, ऐसा वो सोच के चला जाता है। द मंगूस सेट बाय द बेड ऑफ द बेबी वाइल ही स्लेप्ट विदाउट अ केयर। सो यहाँ पे मंगूस उसके बेड के पास में बैठ जाता है और बच्चा आराम से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बात की, वो आराम से सोता रहता है। सडनली अ स्नेक एंटर द रूम। अचानक से एक स्नेक एंटर करता है, प्रवेश करता है रूम में। द मंगूस किल्ड हिम, मंगूस उसे मार डालता है। विद ब्लड ऑन हिज बॉडी ही सेट नियर द डोर वेटिंग फॉर द ब्राह्मण। तो उसके बॉडी पे ब्लड लगा था, वो बेचारा तो अपने बॉडी को साफ़ नहीं कर सकता, धो नहीं सकता ना, तो वो बॉडी, उसके बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था और वो दरवाजे के पास में ही सेट यानी बैठ गया, नियर द डोर, डोर के पास में, दरवाजे के पास में ब्राह्मण का वेट करने लगा, वो पुजारी का वेट करने लगा। बट द वाइफ अराइव्ड फर्स्ट, लेकिन ब्राह्मण से पहले कौन पहुँच गया? वाइफ, वो पहले पहुँच गई, फर्स्ट अराइव्ड, तो यहाँ पर वो पहले पहुँच गई। ही सॉ द ब्लड एंड thought that the mongoose had harmed her child. उसने उसके बॉडी पे ब्लड देखा, उसको, उसने सोचा मंगूज ने उसे हार्म पहुँचाया है, मंगूज ने ही उसे मारा है, मतलब मंगूज ने उसके बच्चे को हार्म किया है, कुछ तो उसको प्रॉब्लम किया है, हार्म नुकसान पहुँचाया, हार्म यानी नुकसान पहुँचाया है उसके बच्चे को, हर चाइल्ड यानी उसके बच्चे को, ऐसा उसने सोचा, थाट यानी सोचा। शी इन एंगर, गुस्से में, शी थ्रू द हर वाटर पिचर एट हिम। जो मटके, जो उसने पानी का जो घड़ा था उसके ऊपर पूरा फेंक दिया उसने, मतलब पानी था उसमें, घड़ा था वो, इतना भारी था, उस मंगूस के ऊपर फेंक दिया, वो तो बेचारा मर गया ना वहीं कुचल के।
बट वेन शी वेंट इनसाइड, लेकिन जब वो अंदर गई इनसाइड यानी जब अंदर गई रूम में एंड सॉ द डेड स्नेक, उसने क्या देखा, मरा हुआ स्नेक देखा. शी पुट टू एंड टू टुगेदर, जल्दीबाजी, टू पुट टू एंड यहाँ पे इसका मतलब है शी पुट टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी भाग के आना. ठीक है, जल्दी भाग के आई, अलास दुख की बात है, इट वॉज़ टू लेट, बहुत देर चुकी थी, द पुअर मंगूज हैड डाइड, बेचारा मंगूज मर चुका था. इतना भारी भरकम उस पर डाल दिया, वो मटका तो मर ही जाएगा ना. तो यहाँ पे देखो उससे लड़ रहा है, आपने भी सुना होगा कि ये दोनों के बीच में लड़ाई होती है. चलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए. ये जो इंग्लिश स्टोरी है इसको मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, इसका हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी शॉर्ट वीडियो में, वो भी आप देख लेना. सिर्फ स्टोरी रहेगा उसमें हिंदी में, वो भी आप देख सकते हो. इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट है, हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट है, आपके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है. आपको जो भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पे देखिए. और आपको लगता है कोई वीडियो रह गया नहीं बनाया तो आप कमेंट कीजिए, वो बन जाएगा. ओके, राइटिंग स्किल्स भी हिंदी इंग्लिश मराठी के राइटिंग स्किल भी बने हुए हैं, ग्रामर भी बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो.